Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Hasnain, once again with all of you people, and I welcome you to today's thought of the day. To determine or predict a future is to create it. This is a very interesting quote, a very interesting verdict, or what any sort of way you want to take it. There are quotes about this, there are thoughts about this, there are many much things written about this. It's a very well-known fact. But lots of people don't realize this. Whatever you do in your past results in you today. आपने जो कुछ किया था अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर अभी तक, वो आपके आज जो इंसान आप हैं उस तक लीड कर रहा था. That was leading to the person you are today. आपके हर एक जो choices थी आपके पास, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को करने की, हर एक choice में से जो choice आपने ली and what choice you took makes the person you are today. और एक भी मुख्तलिफ choice आपको एक मुख्तलिफ इंसान, एक मुख्तलिफ personality बना सकता था at any moment, at any time possible. It's quite interesting to view this in that way, a way that we control the future. हम कहते हैं that future is unpredictable, but future indirectly is very predictable. You can look into the future by deciding it. अगर आप अपने लिए मेहनत करते हैं, अगर आप अपने लिए काम करते हैं, एंड इफ़ यू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर. बट इफ़ यू डू नॉट वर्क फॉर योर सेल्फ, यू प्रोक्रेस्टिनेट, वेस्ट योर टाइम. आपने ये सब कुछ सुना है, आई नो हर एक बंदा यही कहता है, आपके पेरेंट्स तक ये सारे कहते हैं, बट इट्स अ वेरी वेल नोन थिंग. अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप काम नहीं करते, और इफ़ यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कुछ नहीं बनेगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी एंड आपका फ्यूचर बेकार होगा. तो ये जब लोग आपको, सारी फैमिली वाले, जब सारे लोग कहते हैं कि फ्यूचर अच्छा या बुरा होगा, तो क्यों क्यों कहते हैं इसका? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है? कभी सोच किया है? Have you ever thought about why they say this or what does it mean? They mean that all the action that you're doing will result in a worse future or a better future. यहाँ पर ये मैं नहीं कहूँगा कि वो सही हैं या गलत हैं आपके बेहतर या बुरे फ्यूचर पर. मैं ये कहूँगा कि उनके अल्फाज का क्या मतलब है, कि आपके इस डिसीजन का एक अच्छा या बुरा असर हो सकता है आपके फ्यूचर पर. हम सब लोग इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली ये तो कहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, बट हम लोग कभी इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते. हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं, यार इस तरह नहीं करूँगा, फ्यूचर बेकार हो जाएगा, फ्यूचर बेहतर नहीं होगा, फ्यूचर मेरा ख़राब हो जाएगा, माई फ्यूचर वॉन्ट बी सो ब्राइट, माई फ्यूचर विल बी ब्राइट. ये सारी चीज़ें हम लोग हर दिन ब दिन कहते रहते हैं दोस्तों को, फैमिली वालों को, आस पास सब लोगों को, बट कभी भी हम लोगों ने गौर नहीं किया अपने ही अल्फाज पर कि फ्यूचर तो हमारे हाथों में ही है. अगर आज आप अपने लिए कुछ करते हैं, अगर आज आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, अगर आज आप अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ, जब आप लॉयलिटी शो करते हैं, जब आप एक लव शो करते हैं, तो आपका फ्यूचर कॉन्टेंट होगा. योर फ्यूचर सेल्फ विल बी कॉन्टेंट, विल बी हैप्पी एंड विल बी एबल टू एन्जॉय. हम लोग क्यों करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल काम? क्योंकि हमें पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक असाइनमेंट है, हम क्यों एक असाइनमेंट को जल्दी करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अभी तो मसला होगा, अभी तो हम तंग होंगे, अभी तो हमें बुरा लगेगा, बट हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है, मतलब इस असाइनमेंट के बाद हमारा जो फ्यूचर वाला अपना आप है, वो खुश होगा, क्योंकि वो फारिग है, उसको कोई असाइनमेंट की टेंशन नहीं होगी सर पर. तो हम लोग अपने अभी वाले आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने करंट और प्रेजेंट टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर अ फ्यूचर. ये अभी एक अजीब एग्जांपल मैं देता हूँ, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए. अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कभी नहीं करना फॉर द फ्यूचर, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स पॉसिबल. बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप एक काम कर रहे हैं, एक जॉब, आप वो जॉब इन्जॉय नहीं कर रहे, आप उस जॉब अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करें ताकि आपके फ्यूचर के अंदर आपके पास पैसे होंगे, आप इन्जॉय करेंगे. गलत है. मैंने ये कोर्स के अंदर और थॉट ऑफ द डेज के अंदर भी मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है दैट लव व्हाट यू डू एंड लव इट टू द फुलेस्ट. जब आप एक काम कर रहे हैं एंड आप अपने प्रेजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस प्रेजेंट को इन्जॉय करें जितना आप कर सकते हैं, फुली इन्जॉय करें, इमर्स योरसेल्फ इन द एक्सपीरियंस. तब वो ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए. दैट विल बी 1000 times ईजियर. हम सब लोगों के माइंड के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन रहा है, रहेगा, अगर हम लोग बदलते नहीं हैं.
आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, आपकी सारे के सारे डिसीजंस, आपके सारे के सारे जो वट एवर यू डू इन लाइफ दैट विल लीड अप टू हु यू आर इन द फ्यूचर. सो मेक श्योर कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, बेहतर हो और एक अच्छा फ्यूचर हो जिसके अंदर आप कॉन्टेंट और खुश होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.